गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम रवीना शेखावत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्किंग फ्यूचर अस शेखावत बैंकर्स। फ्रेंड्स, एज ऑलवेज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगे देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में कितने तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए आध्यात्मिक स्मार्ट शहर के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसके ऑप्शन से 4, 6, 3, 5। इसका राइट आंसर है 5। 5 तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रम सभी मिलकर बद्रीनाथ के धाम है इसको पुनर्विकास के आध्यात्मिक स्मार्ट पहाड़ी शहर के रूप में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 5 तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है जिनको आप PSU बोलते हैं उनमें से है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड HPCL और तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC और गेल इंडिया लिमिटेड ने हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अनुसार 5 तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रम विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए एक चरण में 99.60 करोड़ का योगदान देंगे। पुनर्विकास कार्यों 3 वर्षों में पूरा करने के लिए निर्धारित है और जो विकास की गतिविधियां इनमें जैसे तटबंध का सभी का करना, सभी इलाकों में वाहनों के मार्ग का निर्माण, पुलों का निर्माण, मौजूदा पुलों को दोबारा से डिजाइन करना, अगर कोई टूट फूट गया उसे दोबारा बनवाना, शौचालय बनवाना और पीने के पानी की सुविधा, स्ट्रीट लाइट्स आदि का निर्माण कराना, जो अपन बद्रीनाथ बोलते हैं ये 4 धाम में से एक है। इसके अलावा जो 3 धाम हैं जिनको हम 4 धाम में गिनते हैं वो है द्वारका गुजरात में, पूरी ओडिशा में और रामेश्वरम तमिलनाडु में। जो IOC है इसके अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और BPCL इसके CMD हैं के पद्मभाकर और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के साथ कौन से 2 देश त्रिपक्षीय साझेदारी के तहत पहली बार सहयोग कर रहे हैं? इसके ऑप्शन से UAE सऊदी अरब, इजराइल UAE, इराक कतर, UK स्पेन। इसका राइट आंसर है इजराइल और UAE। भारत के साथ मिलकर इजराइल और UAE तीनों मिलकर एक त्रिपक्षीय सहयोग कर रहे हैं। इजराइल की कंपनी इकोपिया UAE में एक परियोजना के लिए भारत में रोबोट सौर सफाई तकनीक का उत्पादन करने के लिए तैयार है। यह परियोजना भारत और UAE के बीच त्रिपक्षीय सहयोग समझौते के माध्यम से होगी जो 3 देशों के बीच अपनी तरह का पहला है। साझेदारी की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा की गई। तीनों देशों के बीच सहकारी उपक्रमों की व्यापारिक क्षमता 2030 तक $110 बिलियन तक बढ़ाने की उम्मीद है। इकोपिया इसके अध्यक्ष हैं एरन मेलर के, CEO हैं जीन सेस मामा, हेडक्वार्टर है तेल अवीव इजराइल। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में TSPs को भारत में 5G परीक्षण का संचालन करने की अनुमति किसने दी? इसके ऑप्शन से संचार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय ने TSPs को भारत में 5G परीक्षण करने के संचालन करने की अनुमति दी है। दूर संचार विभाग और संचार मंत्रालय ने भारत में 5G परीक्षण करने के लिए भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL सहित दूर संचार सेवा प्रदाताओं को अनुमति दी है। TSPs ने मूल उपकरण निर्माताओं, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं जैसे एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-DOT के साथ करार किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कौन से देश में 4 दिवसीय यात्रा की है? इसके ऑप्शन है USA, UK, इजराइल, फ्रांस। इसका राइट आंसर है UK।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूके में 4 दिवसीय यात्रा की है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 और विदेश और विकास मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 3 से 6 मई तक 2021 तक लंदन गए और उन्होंने वहां का दौरा किया है। ब्रिटेन द्वारा बैठक में भारत को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। G7 देश ब्रिटेन, USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। बैठक के दौरान इन्होंने अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और EU के मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया। इसके अलावा भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एक त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन करेंगे। और जो G7 है, इसकी स्थापना 1975 में हुई और 2021 की जो प्रेसिडेंसी है वो UK के पास है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021 में नाबार्ड ने कौन से राज्य को 9162 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? इसके ऑप्शन है उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। इसका राइट आंसर है पश्चिमी बंगाल। वित्तीय वर्ष 2021 में नाबार्ड ने पश्चिमी बंगाल को 9162 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और COVID-19 के तहत कृषि के विकास के लिए व अन्य क्षेत्रों में यह जो रकम है दी गई है, इसमें ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए 1279.27 करोड़ रुपए और लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस के लिए 3842.32 करोड़ दिए हैं और शॉर्ट टर्म रिफाइनेंस के लिए 3757.50 करोड़ दिए हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर और इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतला। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के CM के रूप में किसने शपथ ली? इसके ऑप्शन है बनवारीलाल पुरोहित, एडापड्डी के पलानी स्वामी, तमिल साई सुंदर राजन, MK स्टालिन। इसका राइट आंसर है MK स्टालिन। MK स्टालिन ने तमिलनाडु के CM के रूप में शपथ ली है, जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पार्टी के हैं। ये तमिलनाडु के 23वें CM के रूप में शपथ ली है। इन्हें चेन्नई के राजभवन में जो गवर्नर है तमिल साई बनवारीलाल पुरोहित द्वारा इनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाई है। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, CM है MK स्टालिन। गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ, राजधानी चेन्नई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री अवार्ड वनराज भाटिया का निधन हो गया, ये कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए थे? इसके ऑप्शन है खेल, संगीत, पत्रकारिता, हॉकी, उपन्यासकार। इसका राइट आंसर है संगीत। पद्मश्री अवार्डी वनराज भाटिया का निधन हो गया, ये संगीत के क्षेत्र से जुड़े थे। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुथा मुनिरत्नम का भी निधन हो गया है। इसके अलावा पूर्वी केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मदन सिंह का भी निधन हो गया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 कब मनाया गया? इसके ऑप्शन है 5 मई, 6 मई, 7 मई, 8 मई। इसका राइट आंसर है 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस 2021 मनाया गया। एथलेटिक्स के बारे में जागरूकता पैदा करने और युवाओं को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विश्व एथलेटिक्स डे को मई के महीने में दुनिया भर में मनाया गया। इसके अलावा 61वीं सीमा सड़क संगठन BRO स्थापना दिवस भी 7 मई को मनाया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट्स करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।